अंडरटेकर लौटे पुराने अवतार में, मचाया कोहराम, ब्रॉन स्ट्रोमैन बने ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज रेसलमेनिया 36 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। आज रेसलमेनिया 36 का पहला पार्ट हो चुका है खत्म। पहले अध्याय में दोस्तों हमें मेन इवेंट में अंडरटेकर वर्सेस एजे देखने को मिला है। इस मैच को छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी रेसलमेनिया मुझे बेकार लगी। तो शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत हुई है दोस्तों एक किक ऑफ के जरिए, जहां ड्रिक गुलक ने फेस किया सिज़ारो को। दोनों के मध्य जो है मैच था, ये किसी स्मैकडाउन के मैच से कम नहीं था जो कि हाल ही में ये दोनों लड़े हैं। और इस मैच के अंत की बात की जाए तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से आया। सिज़ारो ने अपना ब्रांड न्यू फिनिशर मारा और उस तरीके से उन्होंने इस किक ऑफ में विजय प्राप्त की। तो सिज़ारो की जीत हो चुकी थी किक ऑफ में। और फिर हमें देखने को मिले हैं मेन कार्ड्स के मैचेस। सबसे पहले आगाज होता है रॉब ग्रॉनकोस्की के आवाज के द्वारा। तो रॉब ग्रॉनकोस्की बालकनी पर खड़े चीजों को हाइप करते हैं, उन्हीं के साथ खड़े होते हैं मोजो राउली, और फिर रेसलमेनिया शुरू होती है। सबसे पहला मैच अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस का, जो कि फेस करती है काबुकी वॉरियर्स को वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। मैच दोस्तों काफी स्लोअर तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसने पेस पकड़ा तो मैच बेहतरीन होता गया। अंत की बात करूं, अंत दोस्तों इस तरीके से आया है कि वहां जो निकी क्रॉस है वो नेक ब्रेकर लगाती है कायरी सेन को, और उसके बाद ट्विस्टेड ब्लिस लगता है अलेक्सा ब्लिस के द्वारा। 1, 2 and 3 निकी क्रॉस और अलेक्सा ब्लिस की जुगलबंदी के चलते वहां कायरी की पिन हो गई, अलेक्सा बाहर पड़ी हुई थी, और हमें बनती हुई नजर आई ब्रांड न्यू चैंप यानी कि अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस। तो पहले ही मैच में टाइटल चेंज हो गया। बात की जाए दूसरे मैच की, तो गाइस दूसरे मैच से पहले हमें बैकस्टेज इंटरव्यू दिखाया गया जो कि था सेमी ज़ेन का। सेमी ज़ेन ये चीज कहते हैं कि आज आईसी चैंपियनशिप को दांव के ऊपर रखें अगेंस्ट डेनियल ब्रायन, और डेनियल ब्रायन उन्हें नहीं हरा पाएंगे, सेमी ज़ेन इस मैच में जीत जाएंगे। तो यहां दोस्तों उन्होंने शुरुआत में एक तगड़ी स्टेटमेंट दी थी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस इसके बाद हमें अलायंस वर्सेस किंग कॉर्बिन के मध्य मैच देखने को मिला। सबसे पहले किंग कॉर्बिन आते हैं और ये चीज बताते हैं कि मेरे कुकर्मों के चलते जो अलायंस है वो शायद आज अपियर ना हो पाए, इसलिए मुझे विजेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन अलायंस वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख दोस्तों किंग कॉर्बिन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये कैसे आ गया। वो बढ़ते हैं वो अलायंस को मारने की ओर। जैसे ही जाते हैं रैंप के ऊपर, वह अलायंस अपने गिटार का यूज कर देते हैं, गिटार फोड़ देते हैं किंग कॉर्बिन के ऊपर, और किंग कॉर्बिन उससे बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका मैच बिगन होता है। मैच के अंदर दोस्तों किंग कॉर्बिन को अलायंस ने खूब पीटा, और जो किंग कॉर्बिन थे वो मैच को गलत तरीके से जीतने की कोशिश किए, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला एंडिंग मोमेंट्स में कि किंग कॉर्बिन रोप्स का सहारा लेने लगते हैं पिन के दौरान, लेकिन अलायंस पिन को तोड़ देते हैं। और फिर अलायंस अपनी गंदगी दिखाते हैं, वो दोस्तों एक तरीके का रोल अप लगाते हैं जिसमें टाइट्स पकड़ लेते हैं किंग कॉर्बिन की, और किंग कॉर्बिन की पिन हो जाती है। तो अलायंस जान चुके थे कि बुरे को हराना है तो बुरा बनना पड़ेगा, और यहां दोस्तों अलायंस इस तरीके से विजय रहे। एक चीटिंग विक्ट्री थी, लेकिन विक्ट्री तो विक्ट्री है। बात की जाए दोस्तों उसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस उसके बाद हमें बैगी लिंच का मैच देखने को मिला जो कि प्रोबेबली मेन इवेंट में माना जा रहा था। बैगी लिंच वर्सेस शेना बेज़लर फॉर रॉ वुमन चैंपियनशिप मैच जब शुरू हुआ, तो गाइस बैगी लिंच ने शुरुआती क्षणों में पीट दिया है शेना को, बहुत गंदा पीटा, लेकिन उसके बाद शेना कमबैक करती है। मैच दोस्तों काफी सटल हो जाता है। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों में एंगल देख रहे वो मिलता है कि जो बैकी लिंच है वो डिसार्मर के लिए जाती है, लेकिन उन्हें किरीफुडा क्लच लग जाता है, और उसी क्लच में दोस्तों जो बैकी अपना कमाल दिखाती है काउंटर कर देती है उस क्लच को, और शेना को उनकी पीठ के बल लिटा देती है कुछ इस एंगल में, और इसी एंगल में दोस्तों शेना की हो गई है पिन, और बैकी लिंच ने कर लिया है रिटेन। तो रिटेन होने के चलते दोस्तों इसे शुरुआत में रखा गया था, इसमें कुछ भी खास थिंग नहीं थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ आया, तो गाइस इसके बाद हमें डेनियल ब्रायन वर्सेस शिंस के नाकामुरा का मैच देखने को मिला। तो इस मैच की बात करूं तो गाइस आईसी चैंपियनशिप का मैच था, आईसी चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। सेमी ज़ेन आए अपने मित्र के साथ, सबसे पहले डेनियल ब्रायन आए अपने मित्र यानी कि ड्रू गुलक के साथ। तो गाइज सेमी ज़ेन के कॉर्नर पर थे आपके शिंस के नागाम और सिज़ारो, और वहीं दोस्तों बात की जाए डेनियल की तो उनके कॉर्नर पर खड़े हुए थे ड्रू गुलक। ड्रू गुलक ने शुरुआती क्षणों में ही पीट दिया वहां सिज़ारो और शिंस्के को। वहीं दोस्तों रिंग के अंदर सेमी ज़ेन अकेले पड़ गए। डेनियल और सेमी ज़ेन के बीच जो एक मिनट थे काफी बेहतरीन थे, जहां अंत में दोस्तों हमें गंद पड़ते हुए नजर आया। अंत में हुआ क्या कि शिंस्के और जो सिज़ारो है वो उठ खड़े होते हैं और वो पीट देते हैं वहां ड्रू गुलक को, जिसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं रिंग के अंदर खड़े हुए डेनियल ब्रायन। वो वहां सुसाइड डाइव लगाते हैं दोनों को, बड़े जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं और ऊपर से कूदने लगते हैं यानी कि टॉप रोप से, उन्हें लगती है हलोवा किक, और उसके चलते दोस्तों
स्पिन हो जाते डेनियल ब्रायन की, सेमी जेन रिटेन कर जाते, तो सेमी जेन की चलाकी यहाँ काम आई, रिटेन वो कर गए अपनी चैंपियनशिप। और गाइस ये काफी बड़ी विक्ट्री थी। बात की जाए दोस्तों इस मैच के बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जो कि लैडर मैच था। लेकिन सिंस मैंने आपको बता रखा था द मिज इस मैच का पार्ट नहीं होने वाले, तो ये मैच एक तरीके से डब्ल्यू अपग्रेड कर देगी, और ऐसा ही हुआ, इसे अपग्रेड किया गया। मैच क्या बन गया, कोफी किंगस्टन वर्सेस जॉन मॉर्सन वर्सेस जिमी उसो, एक लैडर मैच। और इस मैच की बात करूं, ये मैच काफी बेहतरीन लगा मुझे। मैच की शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआती क्षणों में दोस्तों तीनों ही रेसलर्स एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, तीनों ही दोस्तों लैडर्स को रिंग के अंदर ले आते हैं और लड़ने लगते हैं। अंत में दोस्तों कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने सोचा नहीं था। अंत इसका सबसे ज्यादा ड्रामेटिक था। हुआ क्या कि एंडिंग मोमेंट्स में तीनों लैडर के ऊपर लड़ रहे थे, तीनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। जिमी मार रहे थे जॉन को, जॉन मार रहे थे कोफी को। होता गया कि ऊपर लटकी हुई बेल्ट्स को तीनों ग्रैब कर लेते हैं और क्लिप को निकाल देते हैं। क्लिप की छीना झपटी में गाइज जो क्लिप है वो रह जाता है कोफी और जिमी के हाथ में, और दोनों बेल्ट्स को लेकर गिर जाते जॉन मॉर्सन नीचे लैडर के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से मैच हुआ खत्म। जॉन मॉर्सन दोस्तों अचानक से या फिर कह लीजिए भगवान की कृपा से दोस्तों वहां रिटेन कर गए। एक तरीके से दोस्तों इसे संयोग ही कहा जाएगा। वहां दोनों यानी कि कोफी और जो जिमी उसो है वो ऊपर खड़े हुए एकदम लंपट लग रहे थे, नीचे जॉन मॉर्सन चैंपियनशिप रिटेन कर चुके थे। तो गाइज इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। और इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है वो काफी हार्ड हिटिंग था, साथ ही साथ काफी अच्छा भी था। तो गाइज ये था केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मध्य, इनकी डायरी यानी कि इनकी बुक का ये आखिरी मैच था। मेरे अनुसार बात की जाए इस मैच की, तो मैच में दोस्तों सबसे पहले ओवेंस पीटे सेथ को, फिर ओवेंस की पिटाई से सेथ जब कमबैक किए तो उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि फिर ओवेंस की एक ना चली। हमें एंगल देखने को मिलता है कि आउटसाइड जो सेथ रॉलिंस है वो जानबूझकर रिंग बेल का यूज कर देते हैं और मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म। और इस एंगल पर मुझे लगा कि डब्ल्यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां दोस्तों केविन ओवेंस माइक पकड़ लिया और जाते हुए सेथ रॉलिंस को ये चीज कहते हैं कि इस तरीके से हमारी ये बुक खत्म नहीं होने वाली है, अभी आखिरी अध्याय लिखना बाकी है। वापस आ और मुझे एक नो डीक्यू मैच में फेस कर, कोई भी रूल इस मैच में नहीं रहने वाला है। अब सेथ दोस्तों जो कि जा रहे थे वो काफी गुस्सा है, वापस लौटते हैं और आधे सार दोस्तों केविन ओवेंस को बहुत गंदी बीट डाउन देते हैं। वहाँ दोस्तों स्टील स्टैप्स का भी यूज करते हैं, वहाँ वो चेयर का भी यूज करते हैं, लेकिन इसी चेयर वेयर के यूज के बीच में दोस्तों केविन ओवेंस उसी रिंग बेल का यूज कर देते हैं जिसका पहले यूज किया था सेथ ने। और उसके बाद वो क्या करते हैं केविन ओवेंस की, सेथ को लिटा देते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर और फिर जाते हैं ऊपर यानी कि स्टेज के ऊपर, वहां से कूद लगाते हैं, वहां से एक एल्बो ड्रॉप और जनता हो गई पागल, घर पर बैठी हुई जनता हो गई पागल। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वो ले जाते हैं सेथ को रिंग के अंदर और उन्हें खड़ा करते हैं, थोड़ा सा ट्रैश टॉक और फिर उसके बाद उन्हें लगाते हैं एक स्टोन कोल्ड स्टनर 1, 2 और 3। वहां दोस्तों केविन ओवेंस मैच में विजय रहे। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच डब्ल्यू वालों ने पुट किया है और काफी अप्स एंड डाउन्स इसमें देखने को मिले। और इस तरीके से केविन ओवेंस ने अपना पूरा बदला लिया सेथ से, चैप्टर हो गया खत्म। बात की जाए दोस्तों इस मैच के बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि किसी शॉकर से कम नहीं था, और ये था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस बिल गोल्डबर्ग के मध्य यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। तो शुरुआत हुई सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्री के द्वारा, ब्रॉन स्ट्रोमन आए और उसके बाद गोल्डबर्ग की वही गुड ओल्ड एंट्रेंस हुई। वहां दोस्तों दोनों को अनाउंस करता है रेफरी, दोनों को एक तरीके से नाम लेता है कि ये चैंप है, ये चैलेंजर है। मैच शुरू होता है, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। ये एक तरीके का स्क्वाश मैच था, ज्यादा लंबा नहीं चला है। हुआ क्या कि सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन जो है क्लोज लाइन मारने की कोशिश करते हैं गोल्डबर्ग को, गोल्डबर्ग उन्हें मार देते हैं स्पीयर और उसके बाद फिर दूसरा स्पीयर, फिर पिन अटेम्प्ट, नहीं होती है पिन, ब्रॉन स्ट्रोमन पिन को तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर से एक और स्पीयर, फिर एक और स्पीयर पिन, लेकिन नहीं होती है पिन, 4 स्पीयर ब्रॉन ने खाए वहां, पिन उनकी नहीं हो पाई और उसके बाद गोल्डबर्ग ने फैसला लिया जैक हैमर का। वो जैक हैमर के लिए गए ब्रॉन स्ट्रोमन को, वो पिक करने की कोशिश किए, वो काउंटर कर दिए, ब्रॉन स्ट्रोमन ने लगा दिया अपना रनिंग पावर स्लैम, ब्रॉन स्ट्रोमन उसके बाद उठाए गोल्डबर्ग को, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा,
चौथे पर पिन अटेम्प्ट गोल्डबक्की हो गई, पिन 1, 2 एंड 3 ब्रॉन स्ट्रोमैन बन गए ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब इस मैच की बात करूं तो गाइस मेरे अनुसार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे काफी गंदा बुक किया है। स्क्वाश मैच में हरा दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बिल गोल्डबर्ग द फकिंग लेजेंड को, और गाइस ये काफी कंफ्यूजिंग भी होने वाला आगे जाकर, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रे वायट को हराया यानी कि फिंड को जिसने हराया एक स्क्वाश मैच में, वो ब्रॉन से हार चुका है, यानी कि आप समझ सकते हैं ब्रॉन कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और गाइज वही बात की जाए कि ब्रॉन का चैंपियनशिप रेन कैसा जाएगा, तो काफी डोमिनेट जाने वाला है मेरे हिसाब से। एक तरीके से हील में वो आपको आगे जाकर होते हुए नजर आ सकते हैं कन्वर्ट। बट बात की जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो आज का था वो था दोस्तों द फिनोम अंडरटेकर बनाम एजे स्टार्स के मध्य, जो कि था एक बोनियार्ड मैच। तो ये मैच दोस्तों अपने आप में एक फिल्म था, फिल्म की तरह इसे शूट किया गया था एक कब्रिस्तान में, डब्ल्यू वालों ने इसे शूट किया। शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में दोस्तों में एक गाड़ी आते हुए नजर आती है कब्रिस्तान के अंदर, और उस गाड़ी से ताबूत निकलता है। वहीं दोस्तों हमें अंडरटेकर के जो चेले चपाटे पास्ट में देखने को मिलते थे, यानी कि जो उनके कॉफिन को लेकर आते थे, वो कॉफिन को खोलते हैं और उसमें से निकलते एजे स्टाइल्स। क्या कूल एंट्री वो मुझे लगी, और उसके बाद कूल से भी कूलेस्ट एंट्री हुई द फिनोम अंडरटेकर की बोन चिलिंग एंट्री, अंडरटेकर एज ए अमेरिकन बैडएस अपनी ब्रांड न्यू हार्ले डेविडसन पर राइड करते हुए आते हैं, और उसके बाद मैच बिगन होता है। मैच की शुरुआत में दोस्तों एजे स्टाइल्स पत्थर का यूज करने वाले थे, लेकिन अंडरटेकर ने उन्हें रोक दिया। मैच के बीच में दोस्तों में चीज देखने को मिलती है, अंडरटेकर ने पूरी पकड़ बना रखी है। वहीं दोस्तों कार्ल एंडरसन ल्यू गैलोस भी आ जाते हैं अपने साथ, वो उन चमचों को भी लाते हैं जो कि शुरुआत में अंडरटेकर के कॉफिन में एजे को भरकर लाए थे। तो गाइस वो जैसे ही आए, यानी कि जो 14-15 लोग जितने भी थे वो आए, अंडरटेकर ने उन सभी को पीट दिया। उसके बाद कार्ल एंडरसन और ल्यू गैलोस की भी पिटाई कर दी। वहां दोस्तों अंडरटेकर कत्ल करने वाले थे दोनों का, लेकिन एजे ने पीछे से आकर वहां अंडरटेकर की पिटाई शुरू कर दी। पीटते पीटते वो अंडरटेकर को ले जाते हैं घास में, जहां दोस्तों अंडरटेकर उन्हें मिडल फिंगर दिखाते हैं जब एजे पर्सनल जाते हैं उनके, और उसके बाद हमें एंगल देखने को मिल रहा है एजे उन्हें पीटते पीटते कबर में गिरा देते हैं। बेसिकली ये बरीड अलाइव मैच ही था एक अलग लोकेशन में, इसलिए इसका नाम बोनियार्ड रखा गया था। तो वहां जैसे ही कबर में गिराया गया अंडरटेकर को, और एजे गए हैं बुलडोजर के ऊपर, हमें लगता है कि बुलडोजर से मिट्टी गिराएंगे और एजे जीत जाएंगे, लेकिन वहां फिर सुपर नेचुरल पावर का यूज करते हैं अंडरटेकर और अचानक से उनके पीछे आ जाते हैं, और वहाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स डरे हुए उनसे मार खाने लगते हैं। मार खाते खाते दोस्तों एजे स्टाइल्स सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और वहीं एक घर बना हुआ था डरावना सा, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वह अंडरटेकर फिर से सुपर नेचुरल पावर का यूज़ करते हैं और बहुत सी आग दिखाई देते हैं, और आग दिखाई देने से दोस्तों होता क्या है कि एजे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, बिग बूट खाते हैं। पीछे से कार्ल एंडरसन ल्यू गैलोस भी आते हैं, लेकिन वहाँ दोस्तों जो एंडरसन है उन्हें तो लगता है टूमस्टोन, वहाँ ल्यू गैलोस को तो अंडरटेकर ऊपर से फेंक देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो एजे स्टाइल्स है उन्हें चॉक स्लैम लगता है उसी घर के ऊपर से, और गाइस उसके बाद एजे स्टाइल्स का काम लगभग खत्म हो चुका था। हमें चीज देखने को मिली है कि एजे स्टाइल्स को अंडरटेकर ने थोड़े बहुत ट्रैश टॉक बोलने के बाद डाल दिया कबर में, और उसके बाद बुलडोजर पर बैठ के उन्होंने मिट्टी गिरा दी और मैच हो गया खत्म। वह अंत में दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स का हाथ दिखाई देता है जो कि डरावना सा था, डरावना सा फील दे रहा था। और गाइस इस तरीके से अंडरटेकर वहां से निकले, काफी कूल उनका एग्जिट हुआ, आना भी कूल था जाना भी कूल था, मैच बहुत मजेदार था। एक तरीके से इसे शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकता, इसलिए शब्द कम पड़ रहे हैं, आपको खुद देखना होगा, अपने आप में एक मूवी थी। बट यस, रियलिटी एस्पेक्ट से अगर आप देखें रेसलमेनिया तो कहीं ना कहीं ये मैच लैक करता है। तो गाइस इस तरीके से रेसलमेनिया 36 हुई है खत्म। एक मैच को यानी कि मेन इवेंट को छोड़कर मुझे बिल्कुल भी रेसलमेनिया पसंद नहीं आई। वहीं दोस्तों जो रिजल्ट्स थे वो भी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे। आपको ये रेसलमेनिया कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर, साथ साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शपक है।